वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। और पहले तो आज नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक वीडियो को अपलोड किया इसी को, पर वो आधा ही अपलोड बार बार हो रहा था, इसीलिए इसको दोबारा हम लोग बना रहे हैं। तो आज लास्ट एपिसोड है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का विथ अमेंडमेंट। इसके बाद से हम लोग हजार्डस वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट और रूल्स में एंटर करेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग अलग अलग वीडियोस के बारे में भी बोल रहे हैं जिनको अपलोड करना है, तो जिम्मेदारियां जैसे जैसे व्यूवर्स बढ़ते हैं तो वैसे वैसे बढ़ रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप परेशान मत हो बेटा, सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एक चीज़ और, कई बार होता है कि वीडियो को अपलोड करने के दौरान कोई उसमें एरर रह जाता है या कोई गलती हो जाती है। जैसे एक आज मैंने वीडियो, बहुत पुराना है, ओजोन पे, उसमें मैंने दूसरी स्लाइड में लेक्चरर लिख दिया लेक्चर के जगह, तो मैनुअल मिस्टेक है मेरी, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा, अवेयर नहीं, या कहते हैं कि फोकस नहीं रहे होंगे मैं, तो उसमें हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। पर हर डिस्क्रिप्शन में अगर कोई एडिटिंग हुई होगी तो हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी कंटेंट इसमें अपलोड है, अगर वह कंटेंट जो है और मॉडिफाई होता है तो उसके लिए अलग वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइए, हमेशा आपको इस चैनल पे अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विथ अमेंडमेंट्स। इंट्रोडक्शन। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लीमेंटेड ऑन 9 सितंबर 1972 विथ 7 चैप्टर 66 सेक्शन 6 शेड्यूल्स आर्टिकल 252(1) एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972, और इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए हैं। ये अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर कर रखा है, ठीक है? आज का चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो है चैप्टर 5 टू लास्ट। ये इस सत्र इसका लास्ट वीडियो है वाइल्ड लाइफ का। 5 वीडियो पूरे वाइल्ड लाइफ के बने हैं, सारे का लिंक आई बटन में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग बिना संकोच हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया हुआ है, परेशान मत हो, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं, चैप्टर 5 का पहला उठाते हैं, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। सेक्शन 39 वाइल्ड लाइफ एनिमल को डिक्लेयर करता है एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखने की एक बात है, वाइल्ड लाइफ को एरिया, सेंचुरी, नेशनल पार्क तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के एडवाइजरी कमेटी के अंतर्गत आती है, और जिसको गवर्नमेंट अपनी जो है स्टेट की प्रॉपर्टी कहती है। पर अगर कहीं गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी का जिक्र होता है तो उसमें मुख्य बिंदु हमको देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब वाइल्ड लाइफ एरिया तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, पर जो एसेट, जो एनिमल्स उसके अंदर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के तहत आते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चंस इसी से उठते हैं, चाहे आप PCHJ कर रहे हो या UPSC कर रहे हो या वाइल्ड लाइफ का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। UGC नेट में भी घुमा घुमा के इसी से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्ट है, सबसे बड़ा। अब कोई भी वाइल्ड लाइफ है तो चाहे वाइल्ड लाइफ की स्पेशीज का वो पार्ट हो, आर्टिकल हो, वो सारा चीज़ गवर्नमेंट के अंदर आएगा। आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि एक जो है शिकारी ने चिड़िया घर के लिए चुरा रहा था और पकड़ा गया, वाइल्ड लाइफ में पोचिंग हुई और हंटिंग हुई तो शिकारी पकड़े गए, वो सारा जो शिकार का सामान होता है वो सब वाइल्ड लाइफ का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है। जैसे हाथी दांत की स्मगलिंग होती है, अब राइनो की स्मगलिंग होती है उसके एक सिंग वाले की। अब देखिए, आप मेंटेलिटी समझिए, जैसे हमारे नाखून होते हैं जो ऊपर बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग मंथली काटते हैं, उसमें क्या प्रोटीन मिलना आपको, उससे क्या आपके शरीर का विकास होना। पर माइंडसेट ऐसा है कि राइनो का सींग, शेर की नाखून,
ये दवाइयाँ बन जाएंगी, ये बन जाएंगी, वो कभी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, कभी आपके शरीर को वो नहीं सुटेबल है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो आपको बताएं, आप ताजुब करेंगे, ह्यूमन जो रेस है, इस रेस में जो हमारा शरीर है ये डिज़ाइंड है वेजिटेशन के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, ये नॉन वेज के लिए नहीं डिज़ाइन है, मांसाहार के लिए डिज़ाइन नहीं है। हालांकि निरंडल थल और जो है क्रोमैग्नन मानो और जो हमारे पुराने पूर्वज थे, ये लोग जो हैं ये मांसाहार भी करते थे, पर इट डजेंट मीन दैट कि जो अब जो सिविलाइजेशन, जो अब हमारा ह्यूमन रेस चल रहा है, होमो सेपियंस सेपियंस, ये इसके लिए डिज़ाइंड हो गए, नहीं, हम लोग इसके लिए डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए जितना भी ये सब सामान, ये सब का आर्टिकल्स का बिकता है, ये सब वर्थलेस है, इसको खरीदना ही बेवकूफ़ी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपके शरीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, आप इसको खा के आप शेर नहीं बन जाएंगे, या घोड़े का नाल, इससे घोड़े का नाल ये कह रहे हैं, बारह सिंगा और शेर के नाखून को पहन के आप शेर की तरह दहाड़ने नहीं लगेंगे। ये सब माइंडसेट है बस, केवल और कुछ नहीं, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, और घोर अंधविश्वास और कोरा अंधविश्वास। घर में शेर का और उसका ख्याल रखना ये बहादुरी का प्रतीक नहीं है, बहादुरी का प्रतीक ये होता कि आप उस शेर को अपने हाथों से मारे होते। यार हंटिंग बेयर हैंड स्पेशीज विथ योर गन्स बुलेट्स, आप बहुत दूर बैठकर एक पिस्टल से मार रहे हैं, ये आप बहादुरी आपकी है, ये आपकी कायरता है, फाइट करिए दो दो हाथ, पता चलेगा कि कौन ताकतवर है। ये गलत है, ये गलत था, ये गलत है, हंटिंग हुई बहुत बुरी तरह हुई, बहुत बुरी तरह, इसीलिए स्पीशीज विलुप्त भी हुई, पर अब कंजर्वेशन पे प्रोग्रामों पे ध्यान दिया जा रहा है, अब सरकार जागरूक हुई है, अब रेडियो कॉलर टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, अब मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो अ वेल्थ ऑफ अ नेशन, इट प्रमोट्स टूरिज्म, और टूरिज्म से फॉरेन करेंसी आती है, और जो भी बिजनेस से फॉरेन करेंसी आती है इट इज एसेट। अब सॉरी, इंक्वायरी एंड प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात आती है। इंक्वायरी मतलब ट्रॉफी के संबंध में, एनिमल आर्टिकल के संबंध में, जो स्किन है या कैपिटेटिव एनिमल्स का, इसके बारे में आती है। शेड्यूल वन में जितने हैं, शेड्यूल टू में जितने हैं, वो सब के सब स्पेसीज आइडेंटिफाइड हैं, मार्क्ड हैं, और आप उसकी परचेजिंग या उसके साथ पकड़े जाने पर वाइल्ड लाइफ के दंड के नियमावली के अंतर्गत आते हैं, पेनल्टीज के अंतर्गत आते हैं, पेनलाइज किए जा सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनिमल, बिना वाइल्ड लाइफ के वार्डन के परमिशन के कोई भी एनिमल का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता है, नाइदर फॉर कमर्शियल पर्पज़ इंक्लूडिंग ट्रॉफी और अनक्योर ट्रॉफी, किसी भी पर्सन को ये अथॉरिटी नहीं है कि बिना वाइल्ड लाइफ वार्डन के परमिशन के, और वाइल्ड लाइफ वार्डन की बात करते हैं तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंडरसाइंड किए बिना आप इस तरह की डीलिंग नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल आता है। फिर सेक्शन 44 कहता है डीलिंग इन ट्रॉफीज एंड एनिमल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड, किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल इस्तेमाल, टैक्सडर्मी का डील करना, अनक्योर ट्रॉफी को हैंडल करना, वाइल्ड लाइफ एनिमल के मीट के साथ पकड़े जाना, मीट को बनाना या उसको खाने के लिए घर बनाना, जान लीजिएगा होटल टाइप का जहाँ पे इस तरह के मीट डिलीवर हो रहे हैं, ये बहुत रिस्की है। किसी भी जो है स्नेक विनोम की जो है जहर का व्यापार करना, ये बिना लाइसेंस के परमिशेबल नहीं है। आप पूरे वाइल्ड लाइफ में एक चीज़ जान लीजिए, मोटा मोटा हिसाब, बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार का एनिमल का ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह से उस जगह, किसी तरह से भी, कोई भी मूड में, कोई भी एनिमल आर्टिकल किसी तरह भी ले जा रहे हैं, वो इलीगल है, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब।
हाँ, अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर साइंड लेटर है तो इट इज़ लीगल। और वो वाइल्ड लाइफ अंडर साइन कब मिलेगा? जब आपको लाइसेंस मिला होगा, क्योंकि लाइसेंस का अधिनियम है, लाइसेंस देती है सरकार। परंतु बिना लाइसेंस का इस तरह का हरकत बहुत ही खतरनाक है। अगर आप वाइल्ड लाइफ के इलाके में लाइसेंस के बंदूक के साथ नॉन परमिट पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस आजीवन के लिए निरस्त हो जाएगा। व्हीकल का लाइसेंस है वो भी निरस्त हो सकता है। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वाइल्ड लाइफ में। मान लीजिए कि सेंचुरी या नेशनल पार्क में कोई हाईवे गया है, सरकार के पास ये पूरा पावर है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दे उस इलाके को। पूरा पावर है, फुल फ्लेज, रात में मूवमेंट को रोक दे, मूवमेंट बिना तलाशी के ना हो। किसी भी कैप्टिव एनिमल का रखेंगे आप वाइल्ड को, तो आपके पास उसके लाइसेंस होना चाहिए। जंगल से कोई भी जानवर आप लेकर आके अपने पास रख रहे हैं, चाहे आप वहाँ से जंगल से उठा ले आए तोता, अगर आप पाल लिए हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। फिर चैप्टर 5A, अब 5A क्या है? अमेंडमेंट से है। शेड्यूल्ड एनिमल, शेड्यूल्ड एनिमल कौन है? जो एनिमल शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में मेंशन है। एनिमल आर्टिकल क्या है? जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के एनिमल है उनका बॉडी पार्ट। मोर को लीजिए, इसमें कई ठू हैं, मैंने मोर को ही उठाया, कारण है उसका। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, सभी जानते हैं। मोर बहुत ही खूबसूरत जानवर, उसके पंख अगर फैलाया उसने, पंख उसका गिरा, तो आप पिक कर सकते हैं। पिक करने के बाद से उस जंगल के इलाके से उस पंख को ले जाने के लिए आपको वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन चाहिए होगा। उसको आप नहीं बेच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मोर पंख का व्यापार कर रहा है, अगर लाइसेंस नहीं है, ये आप सिटीजन की जिम्मेदारी है एज अ फंडामेंटल ड्यूटी कि आप उसको बिहाइंड द बार भिजवाइए। नो मैटर कि वो गरीब है कि अमीर है, इससे मतलब नहीं है, पर ये गलत है। क्योंकि आप अपने राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? अमेरिका में व्हाइट कॉलर ईगल है, मार के देखिए आप, एक ढेला मार के देखिए उसको, आप जमानत नहीं होगी। और अमेरिका अमेरिका में तो नियम है, कानून ऐसा है कि वहाँ गलती करने से 100 बार सोचते हैं सब, क्योंकि एक जन्म की सज़ा नहीं, वहाँ 2 जन्मों की सज़ा मिलती है, 3 जन्मों की सज़ा मिलती है। और पेनल्टी बहुत हैवी है, बहुत हैवी पेनल्टी है। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी वाइल्ड लाइफ में आप फंसेंगे तो आपका खैर नहीं है। अब पिकॉक फेदर का तस्करी, किसी सांप के जहर का तस्करी, कछुआ का बहुत तस्करी होता है, स्टार, कछुए के पीठ पे स्टार बना हो उसका तस्करी, कोई रेयर थ्रेटन पकड़े जाते हैं। और गजब की बेवकूफ़ी है, माने कहते हैं कि ऐसे कछुओं का जो है रखने से घर में जो है तरक्की होती आर्थिक। अरे यार ये क्या है, पढ़ने लिखने के बाद से फिर इतना जो है छोटा, आप सोचो, ये शोभा नहीं देता है, ये गलत है। सांप का जहर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्या जरूरत है आपको स्नेक विनोम की क्या काम है? विषकन्या थोड़ी ना बन जाएंगी आप उसको पी के, क्योंकि सांप का विनोम तो इतना टॉक्सिक होता है कि ब्लड से मिला नहीं कि कहानी लगी। अब वो चाहे न्यूरोटॉक्सिक हो, चाहे आपका जो है किसी भी प्रकार का जो है इम्पैक्ट डाले, हालांकि मैक्सिमम सांप के जहर न्यूरोटॉक्सिक हैं। तो आप न डॉक्टर हैं न वैद्य हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो आपके पास है मतलब इलीगल है, इलीगल है मतलब यू शुड बी पनिशेबल। किसी भी तरह का ट्रॉफी एनिमल आर्टिकल का डील करना प्रोहिबिटेड है। आप किसी अब कोई आपको शौकिया हाथी दांत दे दे, अगर आपके घर में है तो उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो यू आर इन बिग प्रॉब्लम। आपके पास मोर पंखे गड्डी है, खरीदे हैं, खरीद लिए बचपने में, अगर सरकार चाह ले तो उस पंख के लिए आपको सलाखों के पीछे रख दे। इतनी बड़ी
ये कानून के पेंच हैं, और वही पांच फॉरेस्ट एक्ट से पांच सेक्शन में घुसेंगे और उसके बाद से फिर यहाँ पे कहानी लगेगी। डिक्लेरेशन बाय डीलर, डीलर जो भी वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स को डील कर रहा है, सरकार नियुक्त करती है, लाइसेंस देती है डीलरों को, सरकार ही दे रही है, परंतु इनको डिक्लेयर करना होता है कि आपके पास इतने एनिमल हैं, एक आर्टिकल है, ये एनिमल डेथ हुए थी, वहाँ से आर्टिकल मैंने लिया, सारा लेखा जोखा इनके पास होना चाहिए, और ये लेखा जोखा और ऑडिटिंग इसकी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और इंस्पेक्टर जनरल के अंतर्गत होती है। अब पुलिस का नाम आते ही चोर सच बोल देता है, बाकी तो छोड़ दीजिए बात आप। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ डीलर की अथॉरिटी, समझे रहिए सब, जानते रहिए। अब ये चैप्टर 6, पावर ऑफ एंट्री सर्च अरेस्ट एंड डिटेंशन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ये फुल पावर है कि कहीं भी आपका एंट्री कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, वाइल्ड लाइफ में, नेशनल पार्क में, सेंचुरी में, बायोस्फीयर रिजर्व में, जू में, जर्म प्लस बैंक में, एनिमल हाउस में, कहीं भी वो एंट्री करके चेक कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको डिटेन कर सकती है, और पेनल्टीज के अंतर्गत फिर आप आ जाएंगे। सेक्शन 51 कहता है पेनल्टी मिनिमम, इसमें पेनल्टी आपकी 3 साल की जेल है और 20,000 रुपये जुर्माना है, कुछ केसों में 25,000 है, और ये मिनिमम है। और एक ला मैंने अभी इसके ठीक पहले बताया था, एक NCPACD इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन इंडिया, उसमें एक पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में बताया हूँ मैं, उसमें सीधा सीधा कहा गया है, वो भी सब आई बटन में आ जाएगा, परेशान मत होइए, सारा इस ला का सारा चीज़ आई बटन में रहेगा और वो भी रहेगा। तो अब मान लीजिए कि शिकार हुआ, शिकार कौन किया उसके वेल्थ के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी। इनके हिसाब सलमान खान में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें उनके अनफेवर हैं, वो जिसका शिकार किए वो थ्रेटन इंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी में आता है, उस इलाके का सेक्रेट है बिस्तोई गांव का ब्लैक बर्ड, और उसके बाद से फिर आपका इनके पास बंदूक मिला, इनके पास यूज्ड कारतूस के खोखे मिले, इनके पास अनयूज्ड कारतूस मिला, इनके पास व्हीकल मिला, 4-व्हीलर, आपके पास सारे कुछ प्रमाण आप लेके चल रहे हो भाई, इनके पास बस एक ही चीज़ नहीं मिला, वाइल्ड लाइफ वार्डन का हस्ताक्षरित किया हुआ सर्टिफिकेट। और अब अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रोड्यूस कर दे मान लीजिए कि इन्फ्लुएंस में आके, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन की नौकरी चली जाएगी, और इनको सजा होनी ही होनी है, इनको सजा होनी है। देखिए 10 साल से झेल रहे हैं, 10 साल से झेल रहे हैं, अब यही का कम है कि 10 साल आपको जयपुर कोर्ट बुला रही है मुंबई से, खाना खा रहे, फोन आया कि भाई चलो पेशी है तो जाना है, अगर उस कोर्ट की अवमानना हो जाएगी फिर अवमानना का केस चलेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पेनल्टी के अंदर आती हैं, पर पेनल्टी में मुख्यतः है कि 20,000 से 25,000 रुपये जुर्माना है किसी भी वाइल्ड लाइफ के कानून का उल्लंघन करने पर, और मिनिमम 3 साल की सजा है, और मैक्सिमम 7 साल तक जा सकते हैं जेल, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत सजा हो जाती है तो आप जीवन में कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में एंट्री नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड हैं आप, आपके पास आप जीवन में कभी बंदूक नहीं खरीद सकते, जीवन में कभी ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं बनेगा, ये नियम है इसके। फिर इसके बाद से अब उन्होंने दलील क्या दी, दलील उन्होंने दी कि भाई वो काला हिरन इनके ऊपर हमला कर रहा था, तो जज ने कहा भाई साहब आप खुद बॉडी बिल्डर हो, आपके ऊपर वो हिरन हमला करेगा जो चुटकी बजाने में भागता है। फिर इन्होंने कहा कि मर्सी किलिंग का तर्क दिया कि सर उसको जो है सांप ने काट लिया था और वो जो है मर्सी किलिंग में मैंने मारा, तो भाई मर्सी किलिंग में मारे सांप काटे तो उसका मीट क्यों पका रहे हो, यानी आप जहर खाने के शौकीन हो गए हो, किसी भी जानवर को सांप काटेगा तो वो जहर उसके शरीर में रहेगा, उसको पका के खाएंगे तो आपको भी तो इन्फेक्ट होगा, और साइंटिफिक रिसर्च का आप दे नहीं सकते हवाला क्योंकि आप साइंटिफिक है नहीं, फंस गए दोनों केस। इन केस ऑफ अगर अंडर एज है, 18 साल से कम है, जुवेनाइल वाला लगता है नियम, तो उस केस में थोड़ा सा सरकार मरुवत करेगी, आपको बाल सुधार घर भेजेगी, पर यहाँ तो सब लोग एडल्ट थे। और देखिए प्रकृति
कैसे अपने जानवरों का संरक्षण और अपने परिवार को पोसती है। उदाहरण देता हूं मैं, एक मार्मिक उदाहरण है। वो हिरण का जो जब वो पैदा हो रहा था तो उसकी माँ का देहांत हो गया, वहां की लोगों ने उसको पाला। उस पूरे गांव में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप ताजुब करेंगे, जबकि राजस्थान में मांसाहार का प्रचलन है, उस गांव में सब वेजिटेरियन है। और वहां की औरतों ने अपने ब्रीस्ट फीडिंग से उसको जिंदा रखा। यह मानवता की सबसे बड़ी मिसाल थी। आप उसका शिकार मार दिए, आपके पास बंदूक है तो आप तोप है नहीं, आपके पास पावर है आप तोप है नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, और यहां पे हम लोग को समझना होगा इसको, और इसी नियमावली के अंतर्गत वो फंसे और अभी उनको सजा होगी। अब इसमें पेच में ऐसा है कि वो निकल नहीं सकते, उनको पेनल्टी फाइनेंशियल या जेल, दो में से एक उनको होनी ही होनी है। वहां के लोग उसका संरक्षण करते हैं, और मानवता देखिए, अब उसका इंपैक्ट देखिए, वो आप महसूस कीजिए उन वाइब्रेशंस को जिसके कारण सोनाली बेंद्रे उस समय थी उनके साथ, और नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। प्राकृतिक दंड, प्राकृतिक दंड मिल रहा है। प्रकृति जब दंड देने पर उतारू होती है तो सारा का सारा कानून उसका जो हमारा बनाया हुआ है ये धरा रह जाता है, क्योंकि हम तो यहां पे मर्सी किलिंग का ग्रांट दे सकते हैं, प्रकृति मर्सी किलिंग नहीं दिखाती है, प्रकृति मर्सी किलिंग नहीं दिखाती है। उसका तो यही है कि किल, क्योंकि जिस मदर नेचर को हम मदर नेचर कहते हैं ये साइलेंट और सीरियल किलर है। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का सबसे फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर माना जाता है। एक पैरामीटर आप डिस्टर्ब करके पर्यावरण का देखिए, महाप्रलय खड़ा है आपके सामने। समुद्र को पलूट कर रहे हैं, समुद्र से बनने वाला नमक पलूट होगा, आप जहर को, समुद्र आपको जहर खिलाएगा, फिर साइलेंट पॉइजन, साइलेंट पॉइजन। पेड़ काट के जंगल उजाड़ रहे हैं, शेर आपके घर में की तरफ रुख कर रहे हैं। शेर घर की तरफ नहीं आ रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, इसको समझना होगा। अगर हम ह्यूमन हैं और हमारे पास भगवान ने सोच और दिमाग दिया है, आपको मालूम है हाथी को भी दिमाग होता है, चींटी को भी दिमाग होता है, हम ही लोगों के पास दिमाग नहीं है। परंतु ये धरती तो सबके लिए बराबर थी, सबके लिए बराबर नियम है। जो नियम चींटी के लिए है वही नियम इंसान के लिए है। तो पेनल्टी हमको बाध्य कर देगी, जेल जाना ही पड़ेगा या फाइनल उनको पैसा देना पड़ेगा। उनको बेल मिली, अब लोगों के दिमाग में आएगा कि वो तो बेल पे घूम रहे हैं। बेल उनको इसलिए मिली क्योंकि उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, तो इस ग्राउंड पे उनको बेल मिली है। यही आर्म्स एक्ट की जो मैं बात कर रहा था, ये सारे लाइसेंस आपके इसमें रद्द हो जाएंगे, आईपीसीसी की धाराएं लग जाएंगी, क्रिमिनल प्रोसीजर में चलने लगेगा और सारा केस उनका यहां फंसा हुआ है। और वो कितना भी वकील कर लेंगे, उसमें फंसने के बाद बचना नहीं है। और खाली 5 सेक्शन का है फॉरेस्ट एक्ट, और देखिए तमाशा यहां। फिर इसके बाद से चैप्टर 6A है, पेनल्टी फॉर प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम द इलीगल हंटिंग। अब देखिए ये बड़ा मजेदार है, कुछ शिकारी जो छुप छुप के शिकार उकार करके प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं, कुछ लोग इनक्रोच करके नेशनल पार्क में घुस जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई स्टे नहीं लगेगा, सरकार को अपना एरिया डिफाइंड है, और अब तो सैटेलाइट मैपिंग से डिफाइंड है, वो 1 इंच हमें आप घुसे नहीं, आपको मार के बाहर किए सब। तुरंत आप फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट किए नहीं कि आप गए, आपका सारा संपत्ति खत्म। अब जैसे प्रॉपर्टीज एक्ट में मान लीजिए कि मैं अब लखनऊ में या सुल्तानपुर की बात करिए, जैसे मैं सुल्तानपुर में हूँ, या गंगा की बात करिए, कहीं भी किसी भी नदी की, हर नदी का एक फ्लड प्लेन होता है, 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर, किसी का 600 मीटर होता है, फ्लड प्लेन होता है। यदि उस फ्लड प्लेन में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और नदी में आई बाढ़ के कारण आपको नुकसान होगा, सरकार आपको 1 रुपये नहीं देगी,
एक रुपये नहीं देगी आपको, इंश्योरेंस आपके घर का नहीं होगा, आपका खुद का नहीं होगा अगर आप फ्लड प्लेन में हैं तो, ये जान लीजिएगा। फ्लड प्लेन में कोई मुआवजा नहीं मिलता। उसी तरह अगर आप इनक्रोच करके नेशनल पार्क या सेंचुरी में घुस रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी का कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकार उठा कर फेंक देगी बाहर। अभी कुछ लोग धूर्त लोग टाइप में संजय गांधी पार्क है दिल्ली में, उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दिए, कोई पेनल्टी, कोई सुनवाई नहीं, सीधे पेनल्टी और हटाओ, एकदम नियम है ये, और दंड संहिता के अंदर आ जाएंगे। नियमावली ऐसी है, कठोर है इसकी, कि अगर आप पकड़े गए तो कहानी है, तो लग जाएगी, वही होगा जेल का चक्कर, क्योंकि वो तो बता देंगे, वो तो बताएंगे कि भाई आपके पास धारदार चीज़ पकड़ी गई, और खाली एक ब्लेड, मैं फिर कह रहा हूँ, खाली एक ब्लेड के साथ आप जंगल में पकड़े जाएंगे ना, जमानत नहीं होनी है। छोटा ब्लेड, फल काटने वाला चक्कू के साथ पकड़े गए तो जमानत नहीं होगी, बाकी छोड़ दीजिए आप। ये पावर्स है, तुरंत जमीन को सरकार अपने कब्जे में, उनके तुरंत उनको हटा के बाहर कर देगी। फिर चैप्टर 7 है मिसलेनियस। मिसलेनियस में है कि ऑफिसर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है, जो जंगल में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ विसिल ब्लोअर्स के लिए है, जो जागरूक करते हैं लोगों को, कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्यावरण के प्रति और इस तरह के में जागरूक कर रहा है, जो होल्ड करता है इस तरह की डिग्रियों को जो एनवायरमेंट साइंस से है, तो उसको फॉर गुड फेथ सरकार इनाम और इस तरह का प्रमोशन देती है। पावर्स टू एल्टर एंट्रीज इन शेड्यूल। अब सरकार के पास ये पावर है कि शेड्यूल में किसी स्पीसीज को इंटर कर सकती है, एंट्री दे सकती है, या एल्टर कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ऐड या रिमूव कर सकती है किसी स्पीसीज को किसी भी शेड्यूल में। सरकार के पास पावर है, पर यह पावर कब एलिजिबल है? जब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसको, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसको पास कर दे, तब जाके ये एलिजिबिलिटी मिलेगी। फिर सेक्शन 63-64 वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल, स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल, रूल बनाने के नियम है। इसके बाद सेक्शन 65 है, राइट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स टू बी प्रोटेक्टेड। ये इसमें क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि कई कमेटी में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल के डायरेक्टर हैं, शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स उस जंगल में रहती है, वो फॉरेस्ट ड्रेवलर एक प्रजाति है जो जंगल को अपना घर मानती है, और वो उनका हैबिटेट, और किसी को भी हैबिटेट से अपने रिमूव नहीं किया सकता है। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर रहते हैं तराई इलाका, अभी हमसे कह दिया जाए कि आप पहाड़ पर रहो, जाओ आपको मिल गई नौकरी देहरादून यूनिवर्सिटी में, आप हो गए वहाँ प्रोफेसर, कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, उसके बाद से आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे। है ये ऐसा होता है, मैटर पैसा नहीं करता, एक्लमेटाइजेशन करता है। हमारा जीन किस क्लाइमेट के लिए एक्लमेटाइज, हम जेनेटिकली किस क्लाइमेट के लिए एक्लमेटाइज हैं, ये मायने रखता है। एक बिटिया ने हमसे कहा था कि सर आपने 5 मई बायोडाइवर्सिटी दिवस के दिन एक लेक्चर दिया था इन्वायरमेंट को लेके, कृपया उसको अपलोड कर दीजिए, बायोडाइवर्सिटी पे है, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसने देखा था, थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो जंगल के हैं उनको वहीं पसंद है, उनका रिहैबिलिटेशन नहीं होता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको जो है एजुकेशन दिया जाता है। सरकार की पॉलिसीज हैं, चलती हैं, हर सरकार का काम करने का तरीका अपना अपना अलग है। जैसे मैं पहले बताया था, बहुत सारे YouTube पे लेक्चर्स हैं, पर हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अपना है, और होना भी चाहिए, किसी की कॉपी क्यों करना, अपना पढ़ाओ, अपने जैसे पढ़ाओ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे होंगे, उनको यही लगता है कि प्रकाश सर ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है क्लास बैठी होगी सामने, मैं बिल्कुल यार एकदम बैठी है। उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उनको आप रिहैबिलिटेट करेंगे तो उनके अंदर भी वही खींचपन आएगा। और मैं पहले फिर बता रहा हूँ कि सारा संविधान का सारा नियम सभी लोगों के लिए बराबर है, सभी लोगों के लिए बराबर है। इसके बाद से
शेड्यूल्स में क्या क्या दिए गए हैं उनकी जानकारी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, कौन शेड्यूल किस लिए है। शेड्यूल वन मैमल्स, एम्फीबियन, फिश, बर्ड, क्रस्टेशियन, सिलेंड्रेट, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेटा के लिए बना है। शेड्यूल वन के बाद से शेड्यूल टू, थ्री, फोर और फाइव अलग अलग सेक्शंस पे काम करते हैं। शेड्यूल सिक्स इंसेक्टिवोरस और हाईली पॉइजनस प्लांट स्पीसीज के लिए है। अब देखिए, हाईली पॉइजनस प्लांट स्पीसीज की बात की गई। हाईली पॉइजनस प्लांट स्पीसीज की बात इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे आपका ब्लैडर वुड है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं आते हैं, कुछ प्लांट्स के बीज जो हैं वो जहरीले होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट जहरीले होते हैं, वो सारे इसमें कंसीडर किए गए। अगर वो जंगल में है तो जंगल की प्रॉपर्टी है वो। अरे आप एक पत्ती नहीं तोड़ सकते जंगल में, एक पत्ती, अगर एक नीम की पत्ती है ना, आप उसको तोड़ना चाहें नहीं तोड़ सकते हैं, इतना नियम है इसका। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को लेके मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाले थे, तो हमको जो मिला रिसेंट अपडेटेड वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बहुत प्यारी सी मेरी मेमोरी है, मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग माई MSc जब मैंने एडमिशन लिया, तो एक दिन मैं सर पढ़ा रहे थे और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहा था। अक्सर मैं करता हूँ, टीवी भी देखता हूँ, डिस्कवरी चैनल भी, तो एक मैं नोट करता रहता हूँ। तो मेरे सर ने, डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सर, जो इस समय प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के, उन्होंने मुझे कहा कि एक डायरी ले लो और नई नई चीज़ें एनवायरमेंट में तुमको देखने को मिलेंगी प्रकाश, और इसको तुम नोट करते रहना। मैं MSc से नोट कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत बढ़िया कलेक्शन है और बहुत बढ़िया डायरी है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, और मैं सब चाहता हूँ कि इसमें वीडियो के मार्फ पहुँचे। मुझे नहीं चाहिए इसके मोनेटाइजेशन का पैसा, मैं क्या करूँगा पैसा लेके, पैसे के लिए मैं नहीं पढ़ाता, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। इसका मोनेटाइजेशन का पैसा वैसा कि मुझे कोई मोह नहीं है, इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, हमारे लिए हमारे बच्चे मायने रखते हैं। तो मैं उसको नोट किया और वो डायरी का मैं बहुत सारा पन्ना आपको इसमें देखने को मिलेगा, वीडियोज़ में, नए नए वीडियोज़ में आपको देखने को उसको मिलेगा। आप भी उसको नोट करना, आपके बहुत सारे IGS PGS के क्वेश्चन सब पूरे इन्वायरमेंट साइंस से आ रहे हैं, सारे में आपको हेल्प मिल जाएगी। बैंक तक में इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बैंक, TGT, PGT, UPSET, जो भी आप एग्ज़ाम लो, UPSC, PCHA, PCS, PCS कहीं का भी हो, MP हो, UP हो, बिहार हो, कहीं का हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, कहीं का हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और सारा मटेरियल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आप सबके लिए, जैसे जैसे अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बेधड़क निश्चिंत रहिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने लिखा, जैसे पिछले बार में वीडियोज़ में मैंने नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को लिखा था। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया है 553। टोटल परसेंटेज लैंड एरिया के रेफरेंस में, इंडिया के जियोग्राफिकल लैंड एरिया के रेफरेंस में 3.64। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, सांचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, 1915 में बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। एक लोग और बताते हैं, वो नहीं है, 1972 का जिक्र देते हैं पर वो नहीं। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए जो मजेदार चीज है, मिनेटेल, आंध्रपुरा, श्रीलंका, 247 BC पूर्व बनी थी। हालांकि ये मैन के द्वारा नहीं बनाई गई थी, नेचर के द्वारा बनाई गई थी, पर ये था और ये है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, कच्छ, गुजरात। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, गूज आइलैंड, अंडमान निकोबार, 0.01 किलोमीटर का है स्क्वायर में। विच स्टेट है मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश, अभी एक कारण बताता हूँ। और स्टेट जिसके पास लार्जेस्ट एरिया है फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात, 16,600 स्क्वायर किलोमीटर में है। अब MP को आपको बताना है मुझे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और ये सारे चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट टाइगर्स चलते हैं, इस तरह का है, स्पेसीज कंजर्वेशन का है, बर्ड्स को लेकर है, तो इसीलिए इसके पास सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब एनिमल्स के लिए नहीं आता है, ये जान लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड के लिए भी आता है, उसको बर्ड सेंचुरी, वो भी सेंचुरी ही है, फिश
टर्टल, डॉल्फिन, ये सब आते हैं। इसका भी एक वीडियो रेडी करके मैं आपको दूंगा जानकारी। प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट्स, सब पे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले मैं लॉ के सीरीज़ को कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस पर मिलता रहेगा। अब आइए दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये सबसे मज़ेदार है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है एनवायरनमेंट साइंस जनरल नॉलेज क्यों है। ये जो आप देख रहे हैं इस समय पॉइंट्स, ये मैंने दिसंबर में बनाया था, 19 दिसंबर को। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दौरान पूरा चेंज हो चुका है। इस समय हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट 38 है, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट 30 है, रामसर साइट 37 है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ईरान में फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को पड़ता है। और 1971 में ये कॉन्फ्रेंस पहली बार हुआ था, और वहीं से रामसर साइट्स का जिक्र शुरू हुआ। फिर मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पास 31 है, जो कि 4.91% है लैंड एरिया ऑफ अर्थ का, ज्योग्राफिकल इंडिया का। ज्योग्राफिकल इंडिया क्या है? जो इस समय करंट भारत की सीमाएं हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैराइन प्रोटेक्टेड आइसलैंड हमारे पास 100 है, कंजर्वेशनल रिजर्व हमारे पास 86 है, जो कि 0.12% है। कम्युनिटी रिजर्व हमारे पास 163 है। गोबिल ऑक्सबाउ लेक इन बिहार, कटिहार, ये पहला कम्युनिटी रिजर्व था, इसको याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है हमारे पास। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 553 है। नेशनल पार्क 105 है। जो इनवेस डेटा है वो 101 दिखाता है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट हमारे पास 1 है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 14 है। रिकॉग्नाइज्ड हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड 36 है। हॉट स्पॉट इन इंडिया 4 है। बर्ड एरिया 55 है। टाइगर रिजर्व 50 है। एलिफेंट रिजर्व 32 है। की बायोडाइवर्सिटी एरिया 531 है। मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 11 है और ब्राज़ील की पहली। इसको नोट कर लीजिएगा सब। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कैसे डिफरेंशिएट किया गया। मैंने बहुत ही सॉलिड पॉइंट, कॉन्क्रीट पॉइंट को यहाँ रखा है। पहला, वाइल्ड लाइफ केवल वाइल्ड लाइफ एरिया को प्रोटेक्ट, केवल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वहाँ रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ के साथ इकोसिस्टम को कंजर्व करेगा, हेरिटेज साइट को भी लिए बन सकता है, हिस्टोरिकल साइट के लिए बन सकता है। इसकी बाउंड्री फिक्स होगी नेशनल पार्क की, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुला, ओपन, कोई बाउंड्री नहीं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में 3 लेयर प्रोटेक्शन होगा, कोर जोन ह्यूमन की एंट्री नहीं, बफर जोन टूरिज्म के लिए, ट्रांजिशन जोन ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ होगा ट्रांजिशन जोन में, पर कोर जोन में कोई ह्यूमन बींग नहीं एग्जिस्ट करेगा, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। फिर एक सवाल आता है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आप वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर का देख रहे हैं, ये बहुत कॉन्क्रीट है, सॉलिड। आप कैसे डिफाइन करें बस यही आप बता दीजिए, इट इज़ परफेक्ट। फिर इन सीटू कंजर्वेशन में क्या है? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन, बाकी सब एक्स सीटू है। इन सीटू कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको याद रखिएगा। इन सीटू कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्लोबली, नॉट इन इंडिया ओनली, इट इज ग्लोबली। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सेशन? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहें कर दें। कोई भी हमारे से इसमें मिस्टेक होता है तो हम डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है इसका, उसमें हम इसको मेंशन कर देते हैं। और घबराइए नहीं, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल से शुरू होगा बायोडाइवर्सिटी के, अरे बायोलॉजिकल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट का, जिसमें कोविड वेस्ट को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।